डिस्पर्जन हमने बात करी थी क्या होता है. डिस्पर्जन होता है बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा वेरीड है, कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है. हमने ये कर्व देखा था जिसमें ये वाला जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है ज्यादा डिस्पर्जन, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज और एवरेज से आपकी जो डेटा है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, इसलिए इसको हम ज्यादा डिस्पर्स्ड बोलते हैं एज कम्पेयर टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन. फिर हमने बात करी थी डिफरेंट मेजर्स की कि डिस्पर्जन को कैसे मेजर कर सकते हैं. सो वी टॉक्ड अबाउट रेंज, वी टॉक्ड अबाउट क्वार्टाइल डिविएशन, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करी थी, हमने वेरियंस की बात करी थी. एंड वी ऑल्सो लुक्ड एट वन एग्जाम्पल कि हम वेरियंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इफ अ डेटा सेट इज गिवन टू यू and how can we calculate standard deviation. Today we are going to talk about few more concepts related to dispersion, and then if time permits we will talk about the last topic, which is skewness, for this unit. All right, so relative dispersion kya hota hai. Relative dispersion basically aap tab use karte ho jab aap do distributions ko compare kar rahe hote ho. Abhi jo hum distribution ki baat kar rahe hain, सॉरी अभी जब हम डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोल रहे हैं कि विद इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज से कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन. रिलेटिव डिस्पर्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें किन्हीं दो डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्पर्शन कंपेयर करना हो. सो सपोज यू हैव वन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू हैव अनदर डिस्ट्रीब्यूशन, और आप इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग the dispersion of one distribution, you want to know कि ये distribution और इस distribution का relative dispersion कितना है, ये आपस में कितनी dispersed है. तो यहाँ पे आपको data given है, ये males का data है और ये females का data है. male average आ रही है 50, फीमेल एवरेज आ रही है 40. दिस इज अ डेटा ऑन वेजेस, मेल वेजेस एंड फीमेल वेजेस का डेटा है ये. मेल्स की वेज है 50 एवरेज वेज, फीमेल्स की एवरेज है 40. मेल्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है 5 और फीमेल्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है 4.8. तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा डिस्पर्जन है एज कंपेयर्ड टू दी फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन. बट हम ये भी देख रहे हैं कि मेल्स का जो एवरेज है वो फीमेल एवरेज वैल्यू से ज्यादा है. तो ऐसा हो सकता है कि ये जो डिस्पर्जन है, जो ये इंक्रीजिंग डिस्पर्जन है, ये जो डिस्पर्जन है ये ग्रेटर है, इसका रीजन कहीं ये तो नहीं है कि ये मीन वैल्यू ज्यादा है फीमेल की मीन वैल्यू से. क्योंकि डिस्पर्जन आपको ये नहीं बताता कि मीन आपस में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. डिस्पर्जन सिर्फ आपको ये बताता है कि जो भी उस डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज वैल्यू है उससे कितनी दूर, उससे कितना ज्यादा स्प्रेड आउट आपका डेटा है. तो जब आपकी एवरेज वैल्यू ही ज्यादा है, मेल्स में आप देख रहे हो कि एवरेज वैल्यू ही 50 है, तो हो सकता है कि जो ये डिस्पर्शन ज्यादा आ रहा है ये इसकी वजह से तो नहीं आ रहा क्योंकि मेल्स की जो जनरल लेवल है वो ज्यादा है, जनरल एवरेज लेवल जो है वो ज्यादा है. तो हम ऐसे केसेस में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं जो हमें रिलेटिव पड़ता है, मतलब इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के डिस्पर्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो रिलेटिव डिस्पर्शन कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मदद से निकालते हैं. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, एस डिवाइडेड बाय एक्स बार. एस यहां पे क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड एक्स बार रिप्रेजेंट द एवरेज. So, S is this value जो यहाँ पे कैलकुलेट करी है और X बार जो है वो ये वैल्यू है. तो हम मेल्स के लिए कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हम मेल का स्टैंडर्ड डिविएशन लिखेंगे यहाँ पे और मेल्स का स्टैंडर्ड डिविएशन को उसके एवरेज से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 10%. फीमेल्स का स्टैंडर्ड डिविएशन लिखेंगे और यहां देखेंगे उनका एवरेज और ये आ रहा है 12%. अब आप देखोगे कि अगर आप
कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन को कंपेयर करोगे तो फीमेल्स का कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन बड़ा है एज कंपेयर टू मेल्स कोफिशियंट वेरिएशन. 12% इज ग्रेटर देन 10%, राइट. तो जब हम इस चीज के लिए करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन में, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड कर रहे हैं एवरेज से, जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम पॉसिबल प्रॉब्लम थी कि क्योंकि मेल्स की एवरेज ज्यादा है फीमेल से, तो शायद इस वजह से उनकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है. कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन में ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाती है जब हम इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं. कभी भी जब हम दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का कंपेरिजन करते हैं, उनके डिस्पर्जन का कंपेरिजन करते हैं, तो हम उनके एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपेयर करेंगे तो वो गलत हो सकता है. क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जब हम एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपेयर कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि मेल की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा डिस्पर्स्ड है एज कंपेयर टू फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन इसका रीजन ये हो सकता है कि मेल्स की जो एवरेज है वो भी ज्यादा होती है, इस वजह से डिस्पर्जन वैल्यू ज्यादा आ रही है. लेकिन जब हम इसके लिए करेक्ट कर देते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन में, जो कि एक रिलेटिव डिस्पर्जन का मेजर है जिसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन को उसके एवरेज से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा डिस्पर्जन है. तो कभी भी जब हम डिस्पर्जन कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हम कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन की मदद से डिस्पर्जन को कंपेयर करें, ना कि स्टैंडर्ड डिविएशन. कंपैरिजन पर्पस के लिए हम हमेशा रिलेटिव डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं, और रिलेटिव डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए हमें कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना चाहिए. कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज. सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे फीमेल वेजेस शो ग्रेटर डिस्पर्जन ऑफ वेरिएशन देन मेल, व्हिच इज व्हाट वी सी फ्रॉम दीज टू डेटा सेट्स. तो यहाँ पे रीजन था कि मेल्स का डिस्पर्जन ज्यादा था एब्सोल्यूट वैल्यू में, क्योंकि मेल्स की एवरेज ज्यादा थी. दूसरा जो प्रॉब्लम अकर कर सकता है जिसमें हम रिलेटिव डिस्पर्जन यूज कर सकते हैं, वो ये इस केस में कर सकता है जब आपके पास दो डिस्ट्रीब्यूशन हो और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की मेजरमेंट्स अलग यूनिट में हो, और आपको अगर इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है तो भी आप रिलेटिव डिस्पर्जन को यूज करोगे. इस केस में हमने रिलेटिव डिस्पर्जन इसलिए यूज करी थी क्योंकि यहाँ पे एवरेजेस में डिफरेंस था. ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट्स सेम थी, दोनों डॉलर्स में थी, लेकिन तब भी हमने कंपेयर करने के लिए कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन को यूज करा. यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेजरमेंट है वो अलग यूनिट में है. ये वाला किलोग्राम्स में है, ये वाला सेंटीमीटर में है. तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, एक का स्टैंडर्ड डिविएशन किलोग्राम्स में आ रहा है और एक का स्टैंडर्ड डिविएशन सेंटीमीटर्स में आ रहा है. तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप बोल ही नहीं सकते कि ये वाला, बिकॉज इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 5 है, आप ये नहीं बोल सकते कि इसका डिस्पर्जन ज्यादा है. क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किलोग्राम्स में है और ये सेंटीमीटर में है. बट इन दोनों को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, बाय कैलकुलेटिंग देयर कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन. तो अगर आप इसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करो और इसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करो, बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन आप ये बता सकते हो कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में से किस डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्पर्जन ज्यादा है. ओके, सो जिसका ज्यादा आ रहा है हम बोलेंगे कि उसमें वेरिएशन ज्यादा है. तो सिंस वेरिएशन जो है वेट की ज्यादा आ रही है, वेट की 8.5 आ रही है और हाइट की 2.8 आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में किसका डिस्पर्जन ज्यादा है, वेट का. तो टू समराइज, जब भी हम कोई दो डिस्ट्रीब्यूशन या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं और हम उनके डिस्पर्जन वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उनके वेरिएबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम हमेशा इस इंडिकेटर को यूज करेंगे विच इज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द एवरेज. फिर इस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा आएगी, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ज्यादा आएगी, आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्पर्जन को बोलते हो कि वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर डिस्ट्रीब्यूशन.
एंड द रीजन वाई वी यूज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स गिवन है, एक में हमारी यूनिट्स अलग थी इसीलिए हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, एक में एवरेज वैल्यू अलग थी इसलिए हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम कभी भी दो डिस्ट्रीब्यूशन या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस, एक डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्पर्जन कैलकुलेट करना। ओके, मूविंग अहेड, सेकेंड टॉपिक इज स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स? समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग हाउ मच अबव और बिलो एवरेज अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज। इस बात का क्या मतलब है? हम बोल रहे हैं कि कभी कभी हम इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अपने मीन से कितनी ज्यादा बड़ी या कितनी ज्यादा छोटी है। सपोज ये कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी मीन वैल्यू है ये। हम कई बार ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि सपोज यहां पे कोई एक वैल्यू है, मैं ये जानना चाहती हूं कि ये वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी ज्यादा बड़ी है। या फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई एक ऑब्जर्वेशन है और मैं ये जानना चाहती हूं कि ये ऑब्जर्वेशन अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी ज्यादा छोटी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ मैन्स हाइट इज 76 किलोग्राम एंड हिज हाइट इज 181 सेंटीमीटर। एक मैन है जिसकी हाइट है 181 सेंटीमीटर एंड वेट है 76 किलोग्राम। अगेन आप देख रहे हो कि एक जो वैल्यू है वो किलोग्राम में है और एक वैल्यू सेंटीमीटर में है, दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मैन रिलेटिवली मोर अबव एवरेज इन वेट और हाइट। इज ही रिलेटिवली मोर अबव एवरेज इन वेट और हाइट। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस बनेंगी, एक बनेगी वेट के लिए, सपोज ये डिस्ट्रीब्यूशन है वेट की, अनदर डिस्ट्रीब्यूशन हाइट की। ये आपकी दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये वेट का एवरेज है और ये हाइट का एवरेज है। वेट का एवरेज था 70, हाइट का एवरेज है 174। और हम ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मैन, एक पर्टिकुलर डेटा जिसका हाइट है 76 और सॉरी जिसका वेट है 76 और जिसकी हाइट है 181, हम ये जानना चाहते हैं कि इस डेटा का, इस डेटा पॉइंट का, इस मैन का जो डिस्टेंस है, जो डिस्पर्जन है फ्रॉम इट्स एवरेज, क्या वो वेट में ज्यादा है या वो हाइट में ज्यादा है। नाउ एक जो आपके पास सिंपल दिमाग में तरीका आ सकता है वो है कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन अगेन वो सब्ट्रैक्शन गलत है। आप वो उसको सब्ट्रैक्ट करके ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कौन सा ज्यादा डिस्पर्स्ड है, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको पता है कि ये किलोग्राम्स में आएगा और ये सेंटीमीटर में आएगा, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। इस कंपैरिजन को करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है विच इज एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एस। एक्स बार क्या है? मीन। एस है स्टैंडर्ड डिविएशन और रिप्रेजेंट करता है इस मैन की डेटा पॉइंट ऑब्जर्वेशन जिसका आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप निकालोगे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट ऑफ वेट। वेट का स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट निकालने के लिए हमने यहां पे वेट की वैल्यू पुट करी विच इज एक्स वैल्यू, यहां पे क्या है 76, माइनस द एवरेज ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इस वेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एवरेज क्या है 70, हमने 70 सब्ट्रैक्ट करा
डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेट कितनी है 6. इसको हमने सॉल्व करा, इसका आंसर आया 1. तो हम बोल रहे हैं कि ये जो मैन है जिसका वेट है 76, ये अपने एवरेज से 1 स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट अबव है. सो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव एवरेज. प्लीज नोट कि ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. अगर सपोज आपका आपको एक ऑब्जर्वेशन थी 64, एक कोई और दूसरा इंसान है जिसका वेट है 64, और आपको ये जानना था कि ये इंसान अपने एवरेज से कितना बिलो है, तो आप क्या करते? 64 स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स कैलकुलेट करते. 64 माइनस 70 विच इज द एवरेज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 6, इसका क्या आंसर आता? -6/6 विच इज -1. तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. नेगेटिव किस केस में होंगी? जब वो अपने एवरेज से छोटी होंगी. और पॉजिटिव किस केस में होंगी? जब वो अपने एवरेज से बड़ी होगी. जब जो ये एक्स वैल्यू है अपने एवरेज से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव होगी, अगर ये अपने एवरेज से छोटी होगी तो ये नेगेटिव होगी. Now we will compare, we'll calculate the standard deviation units for height. Height के लिए x value क्या है यहाँ पे? 181. हमने लिखा minus the mean of the height distribution which is 174 divided by 5. इसका आंसर आया 1.4. So we will say that this man is 1.4 standard deviations above average. Now हम इन दोनों values को compare करके ये बोल सकते हैं that in comparison between weight and height, this man is relatively taller as compared to heavier. क्योंकि इसका अपने average से ये basically तब हम compare कर रहे हैं कि suppose class में 10 बच्चे हैं, ठीक है, हमने 10 बच्चों का वेट लिया, 10 बच्चों की हाइट ली और हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर दिया. हमने सारे बच्चों के वेट का एवरेज निकाला, वो आया 70 किलोग्राम. सारे बच्चों के हाइट का एवरेज निकाला, वो आया 174. फिर हम जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसका नाम है एक्स. मैं इस बच्चे का जानना चाहती हूँ कि क्या ये बच्चा बाकी 10 बच्चों से ज्यादा हैवी है या ज्यादा लंबा है. इज ही टॉलर और इज ही हैवियर than the rest of the kids in the class. So मैंने क्या करा, weight का standard deviation unit निकाला और height का standard deviation unit निकाला and I found out that in terms of height he is better, he is taller than the rest of the kids in the class as compared to the weight. Meaning कि इस बच्चे का weight जो है वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेज से बड़ा है और हाइट जो है वो 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है. सो ही इज डिफरेंट, ही इज ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ हाइट, ही इज रिलेटिवली टॉलर एज कंपेयर टू रिलेटिवली हेवियर. ऑल्सो यू विल नोटिस दैट दीज वैल्यूज आर मेजरमेंट, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है. यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब आप इस ऑब्जर्वेशन को अपने मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसकी यूनिट आएगी किलोग्राम्स में, न्यूमरेटर की यूनिट आएगी किलोग्राम में, और नीचे आप इसको डिवाइड कर रहे हो स्टैंडर्ड डिविएशन से जिसकी यूनिट है किलोग्राम. तो ये किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल वैल्यू मिलेगी इसकी कोई यूनिट नहीं है. सिमिलरली यहां पे आपका न्यूमरेटर आएगा सेंटीमीटर्स में, डिनोमिनेटर आएगा सेंटीमीटर्स में, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर जब कैंसिल हो जाएंगे आपस में तो इसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी. जब इन दोनों की कोई यूनिट नहीं है तो फिर आप इनका कंपैरिजन इजीली कर सकते हो. सो दिस फॉर्मूला x माइनस x बार डिवाइडेड बाय s इज नोन एज स्टैंडर्ड मेजर और स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू. इट एक्सप्रेसेस द डिविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स. ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कोई एक ऑब्जर्वेशन अपने मीन से कितनी ज्यादा डिविएटेड है
इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स, मतलब कि कितने एक्सटेंट तक एक्स की वैल्यू अपने एवरेज से ज्यादा है या छोटी है.